हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं इस वीडियो में लोको पायलट कैसे बने। इसमें हम आपको टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है बेसिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एज लिमिटेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, वैकेंसी टाइमिंग, सिलेक्शन प्रोसेस और इसके बाद एग्जाम, सिलेबस एंड पैटर्न। यानी कि कुल मिलाकर जीरो से लेकर लास्टिंग तक आप लोको पायलट कैसे बन पाइएगा, इसी के बारे में है ये पूरा का पूरा वीडियो। इसलिए आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, हमारे कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे यहाँ पे आकर ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप हमारा स्मार्ट वीडियो कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन कोचिंग है। और या फिर आप अपने घर पे हमारा नोट्स भी मंगवा सकते हैं। हमने सभी टॉपिक के लिए अलग अलग सबने मैंने नोट्स लिखा है, उस नोट्स को पढ़ करके आप 90% तक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे, लोको पायलट कैसे बने इन हिंदी। और इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक क्वालिफिकेशन। ये वीडियो बहुत ही छोटी बनेगी, इसलिए आप लोग बोर मत होइएगा और पूरा जरूर देखिएगा। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है लोको पायलट बनने के लिए? तो इसका बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो है 10th, 10वीं या फिर मैट्रिकुलेशन या फिर इसके समकक्ष माध्यमिक। यानी आपका बस 10वां यानी 10th क्लियर होना चाहिए, इस बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं। इंटरमीडिएट क्या है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, आगे कर ले पढ़ाई उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कम से कम आपका मैट्रिक होना चाहिए। उसके ये आपका बेसिक क्वालिफिकेशन। अब देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है कि आप लोको पायलट बनने के लिए आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या सब होनी चाहिए? तो इसका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन बिल्कुल जो सिंपल सी चीज़ है वो है ITI। अगर आपके पास मैट्रिक के बाद ही होती है ITI की डिग्री है, ITI का सर्टिफिकेट है, तब आप लोको पायलट बन पाएगा। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आप डिप्लोमा किए हैं तब भी बन सकते हैं, BTEC या फिर BE किए हैं तब भी बन सकते हैं, इसका भी मान्यता है। अब मैं आपको बता रहा हूं टॉप 4 ITI ट्रेड जिससे आप लोको पायलट बन सकते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और चौथा है डीजल मैकेनिक। अगर आपकी उम्र 25 से ज्यादा हो रही तो आप डीजल मैकेनिक से कर लीजिए, अगर आपने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो फिर आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल ये सब से अगर आपका इंजीनियरिंग तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। तो ये रहा आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं एज लिमिटेशन इसकी कितनी है। बहुत सारे स्टूडेंट में अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई कि कोई बोलता है 28 है, कोई बोलता 30 है, तो क्या होगा? तो एक एज लिमिटेशन जो अब तय की गई है, जो ये जो 2018 में वैकेंसी निकली थी उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था ये चीज़ें कि इसका जो है एज लिमिट 28 होगा। तो स्टूडेंट लोगों के हंगामे के बाद इसको बढ़ा करके 30 साल कर दिया गया था। और अभी जो इसका रियल में हुआ है 30 साल जनरल के लिए, OBC 33 साल और SC ST 35 साल। और इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है अब ये 3 साल और इसको बढ़ाने वाली है, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जैसे ही बढ़ेगी हमारे चैनल पे वीडियो सबसे पहले आएगी। अब मानते हैं, अब बताते हैं आपको मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगी। लोको पायलट बनने के लिए आपको A1 मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, आपको A1 मेडिकल चेकअप होता है, इसमें आपका फुल बॉडी चेकअप होता है जिसमें कि बिल्कुल फिजिकली फिट होना चाहिए। और आपको मतलब फिजिकली फिट मतलब कि आपका बॉडी जो बिल्कुल सही से काम करना चाहिए, आपका बॉडी का एक एक अंग, एक एक पार्ट। अब हम बात करते हैं यानी कि इसके बाद देखिए आपके पास कोई गंभीर बीमारी नहीं हो, जैसे कि एड्स, कैंसर, ये सब चीज़ें। इसके बाद हम बात करें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपकी आँख यानी आई टेस्ट। अगर आप चश्मा लगाते भी हैं तो आपका जो भी टेस्ट होगा ये आपका बिना चश्मे का टेस्ट होगा। आपका जो भी टेस्ट देना है आई का जो टेस्ट होगा वो आपका बिना चश्मे का टेस्ट लेगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 6x6 आई, यानी कि 6 मीटर की दूरी से 6 मिलीमीटर की चीज़ों को देखने का होता है, वो होता है आई टेस्ट। इसके बाद कलर विजन टेस्ट लिया जाता है। तो ये रहा आपका मेडिकल टेस्ट। इसके बारे में एक वीडियो पूरी डिटेल से बनी, उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसी टाइमिंग, इसकी वैकेंसी, अगली वैकेंसी कब आएगी। तो अगली वैकेंसी बस 2 से 3 महीने के अंदर आने वाली है, जो कि है आपका DFC वैकेंसी। DFC आपको देखिए, जो DFC है वो रेलवे कॉरिडोर नया स्टार्ट करेगी, मालगाड़ी का परिचालन, जिसमें कि कैप्टन और को कैप्टन को लिया जाएगा। जो इसका जो है सैलरी है वो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट से 1/3 गुना ज़्यादा होगा इसका सैलरी। तो अब ये काफ़ी बेहतरीन है, जो कि अगले 2-3 महीने में आ जाएगी, ये 2600 पोस्ट है।
और इसके अलावा फिर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होता है, तो आपको इसमें देखिए तीन टेस्ट से गुजरना पड़ता है, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। सबसे पहले इसका फॉर्म निकलती है, आप उस फॉर्म को डालते हैं। फॉर्म को डालने के बाद फिर आपको एग्जाम के लिए आपका सिलेक्शन होता है। CBT 1 एग्जाम आपको देना पड़ता है जो कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। CBT 1 एग्जाम के बाद CBT 2 एग्जाम, CBT 2 एग्जाम पास करने के बाद CBT 3 एग्जाम, जिसको साइको टेस्ट बोला जाता है। इसके बाद होती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका फिर आपको होती है मेडिकल, और इसके बाद होती है आपके ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद आप असिस्टेंट लोकोपाल बिल्कुल बन जाते हैं। तो ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में, सिलेबस के बारे में और इसके पैटर्न के बारे में। इसमें एग्जाम जो होगी, मैंने आपको बता दिया कि तीन एग्जाम होगी, CBT 1 और CBT 2 और CBT 3। सबसे पहले एग्जाम होगी आपका CBT 1। CBT 1 एग्जाम जो होते हैं वो एग्जाम है बिल्कुल क्वालिफाइंग एग्जाम। इसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 मिनट के आपके पास समय मिलता है। इसी 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 1/3 निगेटिव होता है। ये CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। तो आपको देखिए कंप्यूटर पर टेस्ट होती है, 60 मिनट का समय, 75 क्वेश्चन है, तो इसका सिलेबस और पैटर्न क्या होगा। इसमें आपको मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन और साइंस का 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का आपका है 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका ये रहा 75। इसमें से आपको 100% पास करने के लिए आपको कम से कम आपको 55 नंबर आपको लाना ही चाहिए। CBT 1 एग्जाम जब आप पास करते हैं, इसके बाद आपको आती है बारी CBT 2 के लिए। उससे पहले आपको फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म में आपसे ये बात पूछा जाता है कि आपको जो टेक्निकल टेस्ट होगा वो आप किस ब्रांच से, आप या फिर किस ट्रेड से आप इसका देना चाहते हैं ट्रेड टेस्ट। तो CBT 2 एग्जाम में देखिए दो पेपर होती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको देखिए 100 क्वेश्चन होती है, पेपर 2 में 75 क्वेश्चन होती है। फिर से दोनों पेपर बिल्कुल साथ साथ ही होते हैं। पेपर 1 खत्म होने के बाद ही पेपर 2 बिल्कुल शुरू हो जाती है, बिल्कुल उसी समय आपको उठने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो पेपर 1 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसी का आपका मेरिट जुड़ता है, आपके मेरिट तैयार होती है, ये आपका फाइनल रिजल्ट तैयार करता है। पेपर 1 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन होता है, 90 मिनट का समय मिलता है। इसमें आपका 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का और आपका 40 क्वेश्चन जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, और आपका 10 क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस का। तो इसको पास करने के लिए आपके पास कम से कम 75 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, आपको 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब आप 100% कंफर्म पास हो पाएगा। नहीं तो फिर आपका 65 नंबर लाते तो आपका लक चांस अच्छा रहेगा, तो आपका नॉर्मलाइज होकर के आपका नंबर बढ़ेगा और आप पास कर पाएगा। और अभी जो आने वाला एग्जाम होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा टफ एग्जाम होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसका CBT 2 एग्जाम का पार्ट ए और पार्ट बी जो उसी के जस्ट बाद शुरू होगी वो होती ट्रेड टेस्ट। आपसे फॉर्म भरवाते समय ये पूछा जाए कि आप कौन से ट्रेड से आप एग्जाम देना चाहिएगा। वैसे आपका ITI कुछ भी ट्रेड हो सकता है, लेकिन आप जब फॉर्म भरिएगा तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो ट्रेड को सिलेक्ट करिएगा आपको वही ट्रेड का क्वेश्चन मिलेगा, और उस ट्रेड को पास करने के लिए आपको 35% नंबर चाहिए, जो कि 27 नंबर के आसपास आती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये आपका CBT 2 टेस्ट। CBT 2 टेस्ट के बाद आपका CBT 3 के लिए फिर से आप अगर इसको पास करते फिर आपको CBT 3 के लिए बोला जाता है। CBT 3 मतलब होता है साइको टेस्ट। इसको पास करने के लिए आपको 5 तरह के क्वेश्चन पूछे, 5 टाइप का टेस्ट होता है, टोटल होता है 18। 18 में से कोई 5 पूछता है, जिसमें कि मैं इसका टाइप बता देता हूँ। पहला होता है आपका मेमोरी टेस्ट, दूसरा होता है आपका टेबल टेस्ट, तीसरा होता है आपका ब्रिक टेस्ट, चौथा, पांचवा में कुछ भी हो सकता है। तो ये सब ये टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत पेचीदा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और थोड़ी सी गलती के लिए भी आप बिल्कुल फेल हो सकते हैं। इसलिए इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, अच्छी से करनी पड़ती है। तो मैंने आपको CBT 1, 2, 3 का सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारे लोगों को लगता है इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता वहाँ पे, बस आपकी सर्टिफिकेट की चेक होती है। अगर आपने जाति प्रमाण पत्र दिया है तो उसका चेक होगा, आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट का चेक होगा, और आपका ITI या फिर जो भी टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसकी आपको चेक होगी, और कुछ नहीं होती है। इसके बाद फिर आपका होता है आपका मेडिकल टेस्ट, फिर ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, उसका फिर आप ALP बनते हैं। ALP के बाद आपको ALP में आपको 3 से 4 साल रहने के बाद आपको सीनियर ALP बनाया जाता है। सीनियर ALP के बाद आपको लोको पायलट बना जाते दिया जाता है, और आपको मिलती है मालगाड़ी ट्रेन। मालगाड़ी ट्रेन आपको 10 साल तक चलाना पड़ता है। इसके बाद आपको पैसेंजर मिलती है, मेल एक्सप्रेस, सुपर फास्ट, फिर दुरंतो, राजधानी, शताब्दी, ये सब चीज़ आपको चलाने का मौका मिलता है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा बात है हिंदी में।
लोको पायलट कैसे बने। अब हम आपको बता दें, अगर आपने ये सब चीज़ को कर लिया या फिर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो इसके लिए आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। हमने मास्टर नोट्स को लिखा है, आप मास्टर नोट्स को लेकर के पढ़ लीजिए, 100% आप पास हो जाएगा। वैसे हमारा 3 महीने का कोर्स है, इस 3 महीने के आप ऑनलाइन कोर्स को कर लीजिए जिसका प्राइस है 2000 रुपये नोट्स के साथ में। अगर आप हमारे यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली पढ़ने के लिए तो इसका टोटल प्राइस है 3 महीने कोर्स के लिए 25000 रुपये, जिसमें कि हम रहना खाना सब कुछ हम अपनी तरफ से ही इसकी व्यवस्था करते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको जो भी बजट हो उस हिसाब से सेट करिए अपना टारगेट। तो लोको पायलट सेट है, बस इसको जरूरत है बस रिजल्ट की, और रिजल्ट आपको चाहिए तो वो रिजल्ट हम ही आपको देने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने इसमें सारी जानकारी मैंने आपको दी, कुछ जानकारी बच गई तो इसको आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में कमेंट जरूर कर लीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको 100% किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको हमारे नोट्स से 100% आपको सफलता मिल जाएगी। मास्टर नोट्स मास्टर की तरह ये काम करता है। और तो आई होप कि आपको ये वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।